आज मैं अपनी आंखों को रोक नहीं पाया। रोना तो नहीं चाहता था, लेकिन कब आंख भराई पता ही नहीं चला। मैंने ये पहले भी कहा है, जिंदा हो तो लगता था मेला हो जैसे, मरने के बाद तन्हा अकेला। उस वक्त कोई मुझे बुलाए तो मैं जाता नहीं था, आज मैं पुकारूं तो कोई आता नहीं है। इसलिए तो कहा है, ये दुनिया एक सजावट है, इसके फरेब में न आए। इंसान तू कितना गाफिल है अंजाम से, तेरे सामने कितने पड़े हैं बेजान से। जब वो चलते थे तो जमाना चलता था, आज तू क्यों अनजान है जमाने वाले इस इंसान से। अजीत साहब, आप हमारे दिलों में हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो मेरे साथ इतनी वफा करना, जब भी मेरी याद आए मेरे मगफिरत की दुआ करना। चलो दोस्तों, आज हम सभी लोग मिलकर अजीत साहब के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह उनकी कब्र नूर से भर दे। मुझे अजीत खान साहब की कही हुई वो आखिरी बात याद आती है। वो कहते थे कि मैं जिंदगी भर कमाता रहा, आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पास शानदार घर है, मोटरें हैं, नौकर चाकर है, लेकिन जब भी मुझे ये ख्याल आता है कि जब मुझे ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा और मैं ये सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे अजीत साहब का वो गाना याद आ जाता है, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जमाने के जाने माने अभिनेता अजीत खान जी के बारे में। कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभिनेता अजीत खान जी को। आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि अजीत खान जी 50 के दशक के जाने माने अभिनेता नायक थे। उन्हें भुलाना आसान नहीं और ना ही उस दौर के संगीत को भी। आप में से कई जानते होंगे कि बारादरी फिल्म का ये प्यारा सा गाना अजीत खान जी पर फिल्माया गया था। दोस्तों, अजीत खान जी का असली नाम हामिद अली खान था। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा हैदराबाद में उनका जन्म 27 जनवरी 1922 में हुआ। वारंगल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई। एक्टिंग का शौक उन्हें मुंबई ले आया। दरअसल कॉलेज की कॉपी किताबें बेचकर घर से भागकर वो मुंबई आए थे फिल्मों में हीरो का रोल करने के लिए। ये सन 1940 की बात है दोस्तों। उनकी पहली फिल्म थी 1946 में आई फिल्म शाहेब मिजरा। इस फिल्म में उनकी नायिका थी गीता बोस। बाद में आई फिल्म आप भी थी, इसमें उनकी नायिका थी खुर्शीद। फिल्म सोने की चिड़िया में उनकी नायिका थी लीला कुमारी। फिल्म ढोलक में मीना शौरी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सुनते हैं फिल्म ढोलक का श्याम सुंदर के संगीत से सवारा ये प्यारा सा गाना, जो गाया है मराठी की लावणी सम्रांगी सुलचना कदम चौहान ने। चोरी चोरी आगे सी दिल में लगा कर चल दिए हम तड़पते गए। दोस्तों, इस दौर में अजीत खान जी की कुछ 15 फिल्में आईं, पर कुछ खास नहीं चली। इनमें उल्लेखनीय फिल्म नास्तिक है, जो सन 1954 में आई थी। पार्टीशन की विभीषिका पर बनी ये फिल्म काफ़ी चर्चित रही और इस फिल्म का श्री रामचंद्र का संगीत और पंडित प्रदीप के लिखे गाने भी खूब चले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, बतौर नायक अजीत खान जी जब उतने सफल नहीं हुए तो वो मुड़े सेकंड लीड रोल की ओर। फिल्म मुगले आजम में उन्होंने शहजादे सलीम के दोस्त की भूमिका निभाई थी दुर्जन सिंह की। वो रोल उन्होंने बखूबी निभाया। मुगले आजम के बाद सेकंड लीड रोल में वो फिल्म नया दौर में आए। इस फिल्म में भी वो दिलीप कुमार के दोस्त के रूप में ही नजर आए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने भूमिका में जान भर दी। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे।
अभिनेता अजीत खान जी का नाम हामिद अली खान था, उन्हें हामिद अली खान से अजीत खान जी बनाया निर्माता निर्देशक के अमरनाथ ने। फिल्म बेकसूर का निर्देशन कर रहे थे के अमरनाथ। उन्होंने इन्हें राय दी कि इतना लंबा नाम फिल्म में नहीं चलेगा, कोई छोटा सा नाम रख लो, और हामिद अली खान बन गए अजीत खान जी। दोस्तों, उल्लेखनीय बात यह है कि अभिनेता अजीत खान जी पर फिल्माए गए गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए थे। मिसाल के तौर पर 1956 में आई फिल्म हालाकों का ये गाना, आ जा के इंतजार में जाने को है बहार। 1957 में आई फिल्म मिस बॉम्बे का ये गाना भी बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ ये हमारी मर्जी। 1955 में आई थी फिल्म मरीन ड्राइव। वो करूं करे कैसे तुम, मैं नशे में हूं। 1959 में आई थी फिल्म गेस्ट हाउस, और उसका ये जो गाना है बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। साठ में आई थी फिल्म बारात, ये गाना भी काफी चला था। '61 में आई थी फिल्म ओपरा हाउस। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है। गर्ल्स हॉस्टल आई थी सन 1961 में, और उसका ये हसीन गाना भी बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। ये हसीन रात, ये बहार, ये तमाम। फिल्म टावर हाउस आई थी 1962 में। मैं खुश नसीब हूँ तो किसी का प्यार मिला। अजीत साहब ने अभिनय का चूल्हा बदला 1966 में आई फिल्म सूरज में। लीड रोल के बाद सेकंड लीड रोल, और फिर फिल्म सूरज में वो बने विलन। जी हाँ दोस्तों, नायक की इमेज तोड़कर वो बन गए खलनायक। अजीत खान बतौर खलनायक ज़बरदस्त कामयाब हुए, जैसे कि जंजीर, यादों की बारात, चरहस, जुगनू, राज तिलक, कालीचरण आदि। ये दोस्तों ऐसी फिल्में हैं जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। अदाकारी में रंग भरने वाले उनके अनोखे डायलॉग, उनका परिधान, उनका हेयर स्टाइल, और एक तरह से साइलेंट किलर वाला खलनायक उन्होंने साकार किया। फटी आँखों के एक्टिंग ने उन्होंने किया हुआ इस्तेमाल बाग का माल ही कहलाएगा। दौलतमंद स्मगलर, शातिर मगर एक शरीफ बदमाश को उन्होंने अनोखी अदाओं से बखूबी पेश किया है। दोस्तों, 40 साल के फिल्मी करियर में अजीत साहब यानी हामिद अली खान जी ने 200 के आसपास फिल्मों में काम किया है। होठों को गोल करते हुए धीरे से कह गए उनके डायलॉग बड़े ही कातिलाना धार लिए रहते थे। अभिनेता अजीत खान जी को 1995 में आई फिल्म क्रिमिनल में आखिरी बार देखा गया। हामिद अली खान साहब यानी अजीत साहब 21 अक्टूबर सन 1998 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।